बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड पिज़्ज़ा की नहायत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ 3 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। आप इसको बच्चों को लंच में दें, आप इसे ब्रेकफास्ट में इंजॉय करें, या फिर आप इसको टी टाइम में स्नैक के तौर पे खाएं। हर तरह से ही ये बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले चलते हैं इसको बनाने की तरफ। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया है प्याज एक अदद दरमियानी साइज़ का, इसको मैंने फाइन कट कर लिया है। शिमला मिर्च मेरे पास छोटे साइज़ की थी, मैंने दो ली हैं, इनको भी मैंने फाइन कट कर लिया है। टमाटर दो अदद, इनके बीज निकाल के इनको भी क्यूब्स में कट कर लें। चिकन है यहाँ पे एक प्याली उबली हुई है, मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको बॉयल कर लिया था और फिर इस तरह से छोटे छोटे स्लाइसिस में कट कर लिया। कैचअप 6 टेबल स्पून, कैचअप मेरी होममेड है, अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इसकी रेसिपी। पिज़्ज़ा चीज़ है 1 कप, ब्रेड के स्लाइसेस हैं 6 अदद, और स्पाइसेस में है मेरे पास नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च अद कुटी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च बारीक पिसी हुई 1/2 टीस्पून, ओरिगानो 1/2 टीस्पून। सबसे पहले इन स्पाइसेस को हम वेजिटेबल में मिक्स कर लेंगे। आधे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आधे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको आगे रेसिपी में बताती हूँ कि मैंने कब इस्तेमाल करने हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं ब्रेड का एक स्लाइस लूंगी, इस पे कैचअप लगाऊंगी इस तरह से। चिकन लगाएंगे, वेजिटेबल्स, बहुत ही झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। अब इस पे चीज़ लगा देंगे। इसी तरह से मैं अपने तमाम स्लाइसेस तैयार कर लूंगी। तवे को मैंने 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे गर्म कर लिया है और अब मैंने इसके नीचे आंच जो है वो बिल्कुल लो कर दी है। सबसे पहले हम तवे पे ऑयल डालेंगे और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऑयल डालने से हमारी ब्रेड बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अब हम इस पे ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे इस तरह से, और जो स्पाइसेस मैंने बचाए थे वो हल्के हल्के से ऊपर छिड़क देंगे। इससे इनका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी बहुत ही आला बनेगा। अब मैं इसको 3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी बिल्कुल लो हीट पे। ब्रेड को रखे हुए 3 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक करूंगी। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त, इसकी चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे से भी बहुत क्रिस्पी हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी चीज मेल्ट हुई है, जबरदस्त। अब मैं इसको नीचे उतार लूंगी।
ले जी, यहाँ पे हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है, झटपट बनने वाला। सिर्फ 3 मिनट इसको लगे हैं और ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।